सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना। झिंगुर सा सचिन डायलॉग वायरल होने के बाद सीमा हैदर की पड़ोसन मिथिलेश भाटी सुर्खियों में आई, जिसके बाद सीमा हैदर का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सीमा हैदर ने अब उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। ये मामला अब तक शांत भी नहीं हुआ था कि मिथिलेश भाटी की ओर से एक और बयान जारी कर दिया गया, जिसे सुनकर सीमा हैदर और सचिन दोनों ज्यादा खुश नहीं होंगे। मिथिलेश भाटी ने कहा, भारत में हमारे यहाँ 10-10 साल बॉर्डर पर फौजी खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी की बहन बेटियां तो नहीं चली जाती। अगर सीमा की जगह मेरी बेटी होती और ऐसा करती तो मैं उसकी गर्दन काट देती। ये बयान मिथिलेश भाटी ने एक प्राइवेट मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए दिया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी को आमने सामने लाया गया। इसके बाद बातों बातों में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और मामला गर्माता चला गया। दोनों की कहा सुनी कुछ ऐसी शुरू हुई। सीमा हैदर ने मिथिलेश से कहा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, यदि आपकी बेटी को उसका पति छोड़ दे तो आप उसको क्या करने को कहेंगी, क्या कहेंगी कि बैठी रहो। सीमा हैदर की इस बात पर मिथिलेश भाटी ने जवाब दिया, अरे बात सुन पहले मेरी, हमारे यहाँ 10-10 साल तक फौजी पड़े रहते हैं, किसी की बहन बेटियां जमीन घर बेच कर नहीं आती है। मेरी बेटी ऐसा करती तो उसकी गर्दन काट दी थी मैं। आपको बताते चले कि झिंगुर सा सचिन बोलने के बाद सीमा हैदर मिथिलेश भाटी को लीगल नोटिस भेज चुकी है। नोटिस पर मिथिलेश भाटी का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि आने दीजिए, उसे भी देख लेंगे, हमारे पास भी एपी सिंह के खिलाफ पूरे सबूत हैं, हम भी नोटिस का जवाब देंगे। सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी के सितारे वैसे भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन इस कहा सुनी के बाद दोनों के बीच की आग और भड़क गई। अब ये आग कहां तक फैलती है ये तो वक्त ही बताएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच मनमुटाव का समा अब तक बना हुआ है।